सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख, इसलिए मेहनत कीजिए और करियर बनाइए। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आज का पंचांग 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम 6:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:33 से 9:55 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 2:12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। तुला राशि 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार, आज कोई अप्रत्याशित और काफी दबाव वाला काम मिलेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप आसानी से इसे पूरा कर लेंगे और आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाए या बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम सौंप दे। स्थिति चाहे जो हो आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। कोई नुकसान या अलगाव आपको परेशान कर सकता है, परिवार या जीवन साथी में शांति पाएंगी। जोखिम भरे खर्चों से बचें या आपको अकेलेपन की भावना से राहत दिलाएंगी। परिवर्तन अपरिहार्य है, अप्रत्याशित स्रोतों से अंतर्दृष्टि और ज्ञान की मोतियों की अपेक्षा करें। आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आज सही समय है। आप में से कुछ कई मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने दिल की सुने। जो व्यक्ति अकेला होने पर भी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाता है वह दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। पारिवारिक सुख सुविधा संबंधित चीजों की खरीदारी होगी। पिछले कुछ कड़वे अनुभवों से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तथा उसी के अनुसार आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके रखेंगी। अपनी प्रतिभा के दम पर आप अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगी। काम को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश आपकी कुछ हद तक सफल रहेगी, फिर भी आपके द्वारा कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिसका असर आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है, इसलिए काम को ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता होगी। किसी भी बात में हड़बड़ी न रखें। कठिन प्रोजेक्टों को पूरा करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्न करें। छाती से संबंधित विकार तकलीफ दे सकती है। भाग्य समृद्धि को पुरानी बीमारी की चेकअप के मामले में जरा भी लापरवाही न बरतें। चिंताओं को टालने की कोशिश कीजिए। अब तक अटके पदोन्नति के मामले में विशेष गतिविधि हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सावधानियां, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें। इस समय आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लग सकता है। भाइयों के साथ चल रहे विवाद को आपसे सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास करें। भावनाओं के आवेश में ना आए तथा सोच विचार कर ठंडे दिमाग से ही कार्यों को अंजाम दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी और परिवार के लोगों में गलतफहमियां उपज सकती है। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने पारिवारिक जीवन पर ना होने दें। प्रेम प्रसंगों में अधिक समय व्यतीत करने से आप अपने कार्यों के प्रति लापरवाह हो जाएंगी। किसी खास के जुदाई के भय के कारण आप अभी तन्हा महसूस कर रहे हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर लव लाइफ में समस्या आ रही है तो
अपने सोचने व व्यवहार के तरीके को बदलें। अपने पार्टनर को वो सम्मान दें जिसका वो हकदार है। आज अपनी भावनाओं को समझें और आत्मविश्लेषण करें। आप अब अपने लक्ष्यों के बारे में विस्तार से सोचेंगे और उन तक पहुंचने की योजना बनाएंगे। लोगों की बातों को सुनने की वजह अपने दिल की सुने। अपने साथी के प्रति अपने सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें, तभी आप अपने जीवन में भी संतोष महसूस करेंगी। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाए। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। आज स्वास्थ्य संबंधित मामले आपकी प्राथमिकता भी रहेंगी। हो सकता है कि मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भी जाना पड़े। अधिक विदेशी संबंधों या व्यापार की भी संभावना है। विनाश भय या धोखा आपको मानसिक समस्याएं प्रदान करेंगे, लेकिन अपने मजबूत इरादों से आप कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। आपको अपनी निर्धारित सीमाओं का ज्ञान है और आप यह भी जानते हैं कि उनका विस्तार किया जा सकता है। आपके भ्रमित होने की संभावना है, इसीलिए आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अगर हो सके तो अपने रोजाना के कामों से छुट्टी लें। अपने लक्ष्यों को सेट करें और उन्हें सामान्य रूप से पूरा करने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट कार्य के प्रति आपका समर्पण आपको कामयाबी देगा। आप अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाएं। निश्चिंत ही सफलता आपके पक्ष में होगी। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल न होने दें। कभी कभी आपको अपने वसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा, परंतु अब आप बेहतर महसूस करेंगे। आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें। जीवन शैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।